नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एडीजेड। देखिए किस तरीके से ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही थी लड़कियां। ऑनलाइन संचालित सेक्स रैकेट का नौबस्ता पुलिस ने किया भंडाफोड़। 9 लड़कियां व 11 ब्रोकरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लंबे समय से संचालित ऑनलाइन सेक्स रैकेट का एसपी साउथ व नौबस्ता पुलिस ने किया खुलासा। आपको बताते चले कि प्रभारी नेचक नौबस्ता व उनकी टीम तथा नेचक साइबर सेल के द्वारा कार्य करते हुए संचालक द्वारा ट्विटर पर दिए गए लिंक के माध्यम से मोबाइल नंबर ट्रेस करते हुए अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र प्रेम कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिसके मोबाइल नंबर के आधार पर जानकारी प्राप्त करते हुए गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि आशीष कुमार जो कि ऑनलाइन सेक्स रैकेट का मुख्य संचालक था, जिसमें आशीष कुमार का संपर्क राजू और ईरान से था तथा राजू और ईरान का संबंध कल्पना गुप्ता नाम की महिला से है, जो कि ऑनलाइन साइट के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से लड़कियों की फोटो आदि भेजते थे। इसके बाद उनका रेट निर्धारित कर उनको जगह पर बुलाया जाता था। इसके बाद ग्राहक द्वारा फोटो व कीमत निर्धारण के बाद आशीष को जानकारी दी जाती थी, जिसके आधार पर आशीष राजू उर्फ ईरान व कल्पना गुप्ता के माध्यम से स्थान निर्धारित कर लड़कियों को ग्राहक से मिलवाया जाता था। इसके बाद लड़कियों को गंतव्य स्थान तक छोड़ने की जिम्मेदारी भी ग्राहक की होती थी। इस तरीके से यह सारे लोग काफी लंबे समय से ऑनलाइन सेक्स का कार्य जारी रखे हुए थे। आज पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया है, जिसमें मोबाइल फोन के माध्यम से बुलाए गए ग्राहक सहित 9 लड़कियां व 11 ब्रोकर व ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया, जो इस सेक्स रैकेट के धंधे में लिप्त थे। गिरफ्तार की गई लड़कियों में 2 लड़कियां दिल्ली, 11 फैजाबाद व अन्य कानपुर व नगर आसपास की बताई जा रही हैं। समाज एडीजेड के लिए कानपुर से गुलाब शर्मा की रिपोर्ट। आज जो जनपद की साइबर सेल टीम और थाना नौबस्ता की टीम के द्वारा एक सेक्स रैकेट जो है वो पकड़ा गया है, उसका जो मेन मॉडस ऑपरेंडी था वो ये था कि एक वेबसाइट, जैसे एक फोटो कॉल गर्ल्स वेबसाइट है ऑनलाइन, उस पर ये ऐड डालते थे और अपना मोबाइल नंबर डालते थे। इसमें एक मेन जो अभियुक्त हैं वो आशीष कुमार हैं, जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर इस वेबसाइट पर डाला हुआ था। इस वेबसाइट पे जो अपना नंबर डालते थे, इनको एडवर्टीजमेंट के पर डे कुछ पेमेंट करनी पड़ती थी जो ऑनलाइन इन वेबसाइट पे करते थे। जब उस वेबसाइट से ये संपर्क करते थे तो इन्होंने उस वेबसाइट पे जो ऐड डाली थी वो पारुल एस्कॉर्ट सर्विसेज के नाम से डाली हुई थी और अपना मोबाइल नंबर दे रखा था। जब उससे संपर्क करते थे तो ये फर्दर जो बीच में इनके साथ बिचौलिए जो होते थे उनसे भी संपर्क करवाते थे और व्हाट्सएप पे लड़कियों की फ़ोटो शेयर करते थे। उसी पे वो ये बताते थे, रेट बताते थे कि कितने में अवेलेबल होंगे। और इसमें टोटल 11 अभियुक्त हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। इसमें कुछ लोग जो हैं वो एस्कॉर्ट सर्विसेज सीख करने के लिए आए हुए थे, बाकी कुछ अभियुक्त हैं जिनका काम ट्रांसपोर्टेशन का रहता था। और जो इसमें मेन है, इसमें एक कल्पना गुप्ता, आशीष और राजू उर्फ ईरान, ये 3 हैं जो यहाँ पे फिलहाल जो संज्ञान में आए, वो रैकेट चला रहे थे। बाकी हम इसमें डिटेल्ड इंटरोगेशन कर रहे हैं। कुछ और भी ऐसी वेबसाइट संज्ञान में आई हैं, उन वेबसाइट्स के भी हम डिटेल निकलवाएंगे, उनके डेवलपर्स कौन कौन हैं। और कानपुर और अन्य जनपदों में भी ऐसी कोई एस्कॉर्ट सर्विसेज अगर चल रही हैं तो उनके खिलाफ़ भी हम कार्रवाई करेंगे। इसमें जो अरेस्टिंग हुई है उसमें दिल्ली की लड़कियाँ भी हैं और बाकी अदर जनपद जो यूपी के हैं उन वहाँ से भी वो लड़कियाँ हैं। अभी तक की इंटरोगेशन में ये पता लगा है कि इनका जो संपर्क रहता था वो मोबाइल के थ्रू रहता था, गूगल पे के थ्रू पेमेंट्स होती थी और बाकी जो इनके जो एस्कॉर्ट सर्विसेज सीख करते थे वो भी गूगल पे के थ्रू ही पेमेंट्स करते थे। ये देखिए, अभी तक की जो प्रीलिमिनरी इंटरोगेशन है उसमें इन्होंने यही बताया है कि जब भी इनसे मोबाइल पे संपर्क किया जाता था तो ये व्हाट्सएप पे फ़ोटो अवेलेबल करवाते थे, उसके साथ रेट बताते थे और जब वो उसकी पेमेंट हो जाती थी गूगल पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, उसके बाद ही ये फिर फर्दर सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। देखिए, ऐसी कोई लोकेशन अभी जो पता लगा है वो नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डील कर रहे थे तो ऐसे एज सच कोई ब्रॉदल हाउस इन्होंने नहीं बना रखा था।
लेकिन उसके लिए भी हम पता कर रहे हैं इनसे। अभी फर्दर इंटरोगेशन में अगर ऐसा संज्ञान में आता है कि कोई ऐसी जगह भी है तो हम वहाँ पे भी रेड करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी अवगत करवाया है, ऐसी वेबसाइट्स हैं और इंटरोगेशन में हम उन वेबसाइट्स फर्दर जो वेबसाइट्स हैं उनके बारे में पता करेंगे, उनके डेवलपर्स कौन हैं, और इससे हो सकता है कि ऐसी एडवर्टीजमेंट्स जनपद में, अन्य जनपद जो आसपास के जनपद हैं उनमें भी ऐसी एडवर्टीजमेंट्स दे रहे हों, उनके मोबाइल नंबर और वो सारी डिटेल्स हम निकाल के आगे की कार्रवाई करें। ठीक है।